बरोड़ा शहर में साफ बैंक को नकली सोना गिरवी रखकर 54 लाख का कर्ज भूषण ज्ञानेश्वर जिले संदीप गंधारे और नरेश दुगतवली ने कारोबार को बढ़ाने के लिए लिया। इसके बदले उन्होंने नकली सुनार की दुकान का बिल और रसीद दिखाकर 69 चूड़ियां और 41 अंगूठियों सहित नकली सोने के आभूषण दिए और कुल 1327 ग्राम नकली सोना जमा कर कुल 10 गोल्ड लोन के अलग अलग मामले बनाकर बैंक से 54,49,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त की। कुछ समय पश्चात सोने का ऑडिट हुआ, तब बैंक प्रबंधक को जानकारी मिली कि कर्ज के बदले गिरवी रखा सोना नकली है और तभी तीनों युवकों द्वारा बैंक के साथ धोखाधड़ी का मामला उजागर हुआ तो बैंक प्रबंधक के होश ही उड़ गए। घबराए बैंक के प्रबंधक ने 18 मई को वरोरा थाने में तीनों ठगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन थानेदार अमोल कचौरे ने जांच कर तीनों आरोपियों के खिलाफ 20 मई को धारा 417, 420, 466, 468, 120B के तहत मामला दर्ज कर लिया, लेकिन तीनों आरोपी फरार होने में सफल हो गए। इसाफ बैंक के प्रबंधक और बैंक के कर्ज तारण विभाग के कर्मचारी भी इस ठगी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बैंक जब भी किसी को कर्ज देती है तो कागजात के साथ साथ हर पहलू की बारीकी से जांच किया जाता है। 54 लाख कोई मामूली रकम नहीं है कि ऐसे ही भुगतान हो जाए। बैंक नियमों के अनुसार जो भी कर्जदार सोना जमा करता है तो यह भी देखा जाता है कि जितना कर्ज दे रहे हैं उससे ज्यादा सोना बैंक में गिरवी रखना पड़ता है। बैंक प्रबंधक ने सोने की जांच क्यों नहीं की, इसलिए शक की सुई इस ठगी के मामले में बैंक प्रबंधक और कर्मचारी पर जा रही है। पुलिस की तफ्तीश में सारी सच्चाई बाहर आने से ही पता चलेगा कि कौन दूध का धुला है और कौन साजिश करता है। वरोरा येथे इसाप स्मॉल फायनान्स बँक म्हणून कार्यरत आहे। या बँकेत आरोपी तीन आरोपी भूषण पांडुरंग झिल्ले व त्याचे दोन सहकारी यांनी सोलर कंपनीचे मालक असल्याचे सांगून त्या बँकेत खोटे सोन्याचे दागिने गहाण ठेवून त्या दागिनेच्या बदल्यात 54 लाखाचं लोन घेतलेलं आहे आणि काही लोन पास झाल्यानंतर कालांतराने त्या सोन्याच्या दागिन्याचं ऑडिट झाल्यानंतर लक्षात आलं की ते दागिने नकली आहे। अशा फिर्यादीच्या रिपोर्टवरून फिर्यादी बँक मॅनेजर आहे त्यांच्या रिपोर्टवरून पोलीस स्टेशन वरोरा येथे कलम 120B, 417, 420, 467 भादयान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। आरोपी सध्या फरार आहे आणि पुढील तपास सुरू। NBCN न्यूज के लिए वरोरा से चेतन लुथरे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।